अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हमना अजीम, आपके अपने चैनल इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि एजुकेशन के सेक्टर में भी बहुत सारा काम किया है। किसी भी को पढ़ाना या उनकी पढ़ाई में मदद करना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। आज हमारे साथ राजा यासिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सर। हमें पता लगा था पिछले दिनों आपकी कुछ तबीयत नासाज थी, तो हम अल्लाह ताला से बहुत दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत और दूसरी वाली जिंदगी अता करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये एजुकेशन के सेक्टर में इतना काम, सर आपने खुद भी HSN से पढ़ा हुआ है और आगे आपकी अब्रॉड से एजुकेशन है, तो सर आप यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहेंगे आगे? देखिए, हमारी यूथ को जो एजुकेशन की हद तक मैं बात करूँगा, क्वालिटी एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डिग्री लेना कोई मकसद नहीं है। जब तक डिग्री जो है उनकी शख्सियत में नज़र नहीं आएगी, जब तक वो एम्प्लॉयबल नहीं होंगे, तो तालीम का फ़ायदा कोई नहीं होगा। हमने एक्सेस बहुत बढ़ाया गुज़िश्ता सालों में, अभी भी बढ़ा है, लेकिन एक्सेस विद क्वालिटी होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर नहीं है विद क्वालिटी, तो कोई ज़रूरत नहीं है 4 साल कॉलेज में पढ़ने की। माँ बाप आपकी बड़ी मुश्किल से फ़ीस देते हैं, अगर स्टेट फंडेड है तो हुकूमत के भी आपके ही पैसे हैं, वो भी टैक्स मनी है, तो उसका सही इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। जाकि आपका 4 साल में कोई स्टूडेंट जब पढ़ के निकले, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं पे भी एम्प्लॉयबल होना बड़ा ज़रूरी है। तो हम फोकस जो है अपना हमने क्वालिटी पर किया है। तमाम अपनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि कैसे आपने अपने क्वालिटी पैरामीटर्स को ऊपर लेके जाना, और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। 3 साल के बाद आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स में यूनिवर्सिटी बड़ी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। मेरे पास तो यही पैमाना है ना चेक करने का, ये हमने ये इनको कहा था और ये इन्होंने किया या नहीं। अदरवाइज़ अपने मुंह से तो आ रही है, शख्स कह सकते हैं कि हम बड़े बेहतर हो गए, लेकिन जब आपका कोई इंडिपेंडेंट बॉडी कहती है कि नहीं अब आपकी रैंकिंग्स ऊपर जा रही हैं, तो डैट मीन्स कि यू आर अचीविंग समथिंग। सर, इतने सारे स्टूडेंट्स में रह के एक टाइम था जब आप भी स्टूडेंट हुआ करते थे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ और आज के स्टूडेंट लाइफ कुछ मुख्तलिफ है? जी नहीं, मेरा समझता हूँ इंसान हमेशा ही स्टूडेंट रहता है, तो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ रही है स्टूडेंट एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान HSN में था, वो भी ज़रा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, फिर अमेरिका चला गया, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ पहले क्या थी और अब क्या है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने जिन यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करता रहता हूँ रेगुलर बेस पर, तो बेहतरी अच्छी मुझे लग रही है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सर, आपको लगता है कि बाहर और हमारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में काफ़ी फ़र्क है या कोई फ़र्क नहीं है? देखिए, अगर आप कहें कि लियाकत में, तो पाकिस्तानी तो किसी से कम नहीं है, इंतहाई इंटेलिजेंट लोग हैं। अब क्या उनको सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है? तो नहीं। स्पेशली स्कूल एजुकेशन में ही आपका सिस्टम ख़राब है। जब स्कूल एजुकेशन में आप रट्टे का टेस्ट लेते हैं, तो जो आपका असल बच्चा लायक होता है, जो दिमाग से सोचना जानता है, जो क्रिएटिव है, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, वो तो टेस्ट ही नहीं हो रही, हो सकता है उसके नंबर ही कम आए। तो असल तो प्रॉब्लम इनहेरेंट यहाँ पर है। उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है, तो ऑब्वियसली कॉलेज में जो बच्चे जाएंगे उन्हीं पे काम होगा। फिर उसमें कॉलेज में पढ़ाई का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो शायद अभी उस मेयार का नहीं है जहाँ पे टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब टॉप 1000 में आनी शुरू हो गई हैं दुनिया के, विच इज़ नॉट बैड। जी सर, बिल्कुल सही। सर, इतने बिजी स्केड्यूल के साथ आप मिनिस्टर रह चुके और बाकी आपके पास ज़रूर कुछ ना कोई काम रहता है हर टाइम, तो फैमिली टाइम कैसे निकालते हैं फिर इस सब में? जी, किसी हद तक निकाल लेता हूँ, हमेशा से ही बिजी स्केड्यूल था, लेकिन और मैं कोई और एक्टिविटीज़ नहीं करता, और जो फालतू वक्त होता है वो फैमिली के साथ ही फिर गुजरता है। तो सर, इतने सारे बच्चे जो आपके नीचे हैं, अंडर हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनके ज़ेरे निगरान हैं आपके, तो सर क्या आपको लगता है कि क्या आपके अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मामले में, एज अ एजुकेशनलिस्ट, कि आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, खुद एक मिनिस्टर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहली तो इम्पोर्टेंस देता हूँ जी अपने पर्सनल कैरेक्टर पे। जितने मर्जी आप लायक हों, जितने तेज़ हों, जितने सक्सेसफुल हों, जब तक आप बेहतर इंसान नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसी बचपन में, माँ बाप का काम है आपको वैल्यूज़ दें, हमारे माँ बाप ने दी थी, हमारा काम है अपने बच्चों को दें, और मैं इसी पर कोशिश करता हूँ। बाकी वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैं चाहता हूँ वो अचीव करें, मेहनत ज़रूर करें, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपना पोटेंशियल भी देखें क्या कर सकते हैं। और मैं ये उनको यही कहता हूँ कि जो शौक है वो पढ़ें, कोई पर्टिकुलर ऐसे नहीं है एम के लिए ये करवाना है। आपने बच्चों को जो है वो बेसिक मॉरल्स की तालीम देनी है, सोचने की
सलाहियत उनमें डेवलप करनी है, उसके बाद फैसले जो है वो अपने खुद करें तो ज़्यादा बेहतर। जी सर, बिल्कुल सही आपने कहा। सर, अगर आप इस फील्ड में ना होते तो ऐसी और कौन सी फील्ड है जो आप जहाँ पर काम कर रहे होते, या जो आपका कोई शौक था जो आप जिसको परस्यू करना चाहते थे? बेसिकली जी, आपके जब बुनियादी जो ज़िंदगी चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हों तो फिर आपको लाजमी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप दूसरों की ज़िंदगी में फ़र्क डाल सकें। तो मैं जब अमेरिका से वापस आया था, और उस वक्त भी ऑब्वियसली मुझे कोई नौकरी की ज़रूरत तो नहीं थी, ना वहाँ पे थी ना यहाँ पे थी, तो अल्लाह का फजल था। वापस आया तो मैंने जब ये स्कूल बनाया तो उसका मकसद यही था कि मैं कितने लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकूँगा। तो मैं एजुकेशन में आया इसलिए था कि मुझे लगता था कि ज़्यादा आप बेहतर इन्फ्लुएंस इस फील्ड में आके कर सकते हैं। अब जाहिर है वो स्कूल चलाना था, उसको मैंने सस्टेनेबल बनाया, ये नहीं कि वो फ्री स्कूल नहीं है, लेकिन उसकी जो इनकम है उससे बहुत सारे लोगों को हम सब्सिडाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों को फुल स्कॉलरशिप्स देते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे जिनमें पोटेंशियल है वो उसको बेहतर तरीके से हमारे स्कूल के ज़रिए यूटिलाइज कर सकें। सही। तो सर, कोई नॉवल या कोई टीवी सीरीज़ वगैरह में शौक होगा, है आपका? जी, रीडिंग का तो शौक था मुझे। पहले नॉवल्स भी पढ़ता था एक एज तक, इंग्लिश क्लासिक्स तो मैंने बहुत सारे पढ़े, उर्दू क्लासिक्स भी पढ़े, लेकिन वो फिर बाद में फ़िक्शन पढ़ना छोड़ दिया और सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री पे किताबें, फ़िलासफ़ी पे, रिलीजन पे, हर टॉपिक पे जो है वो किताबें मैं पढ़ता रहता था। आजकल कुछ कम है, फिर भी एक आध किताब महीने में पढ़ लेता हूँ। और टीवी सीरियल्स तो नहीं देखता, जिससे मुझे फील होता है कि जिससे टाइम वेस्ट हो वो कम करनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख लेता हूँ। अभी कुछ मैंने वो देखी है नेटफ्लिक्स पे सीरीज़, जैसे काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ है, लेकिन वो मैंने ज़रा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए देख ली। सर, आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट्स रीडिंग से ज़्यादा नेटफ्लिक्स को अहमियत देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए आगे जाके बेहतर रहेगी? सॉरी, रीडिंग से ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे, सीरीज पे, टीवी शोज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। मेरा ख्याल है जी कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। उनको एक आध सीरीज ऐसी देखते हैं कि मैंने भी गलती से देखी हैं कुछ, और वो फिर आप एक से बाद दूसरी और वो लगातार देखते हैं, तो ये बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है मैं समझता हूँ। और आपको पहले तवज्जो ऐसी, आप अगर उसकी जगह आप लिटरेचर खुद पढ़ लेना तो एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी। इससे तो कुछ भी हासिल नहीं होता, स्पेशली फिक्शन देखने से। तो आई वॉन्ट इनक्रेज के लोग देखें, लेकिन ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना देखें, कुछ थोड़ा टाइम बस रख लें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना इसको। जी सर, सर आपने इतना काम किया है तो आप यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहें या उनको किसी चीज़ के लिए इनक्रेज करना चाहें तो प्लीज़ आप प्लीज़ शेयर करें। मैं तो यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि अपना पोटेंशियल ज़रूर अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी ओवर एम्बिशियस ना हो। डिप्रेशन जो है वो आपकी जो एम्बिशंस हैं और जो अचीवमेंट्स हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है उससे डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो आपको कतन कोई भी ऐसा काम जो आपके बहुत ओवर एम्बिशियस इसमें आप लगे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक पोटेंशियल बनाया, अपने पोटेंशियल से सबसे पहले रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें, और उसमें जो सुकून है उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर कभी फालतू पैसे कमा लें तो फिर ये देखें कि उसकी मदद से आप और लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिर में हम सिर्फ आपसे पूछेंगे क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कोई आपका इस तरह का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फ़नी वाक्या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़। फ़नी वाक्या तो बहुत होते हैं, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ माय हेड फ्रैंकली अभी तो कुछ भी नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंटरव्यू में एक नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।